नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। दोस्तों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा मोटिवेशनल है और बड़ा प्रेरणादायक है। दर्शकों, आज की कहानी दो पक्षियों की ऐसी प्रेम कहानी है जो बन गई हजारों की आस्था का केंद्र। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के बारे में कहा जाता है कि इस कहानी को जो व्यक्ति सुनता है उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, पति पत्नी में नहीं होता, पिता पुत्र में नहीं होता, सास बहु में नहीं होता। दोस्तों, यदि आपके घर में भी रोज झगड़े होते हैं, पिता पुत्र में होते हैं, सास बहु में होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी में होते हैं, दोरानी जिठानी में होते हैं, तो दोस्तों आज की इस कहानी को पूरा सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, ये कहानी समस्त प्रकार के झगड़ों को समाप्त कर देती है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी घर के कलह को दूर करके और वहां पर प्रेम उत्पन्न करती है। एक बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जहां पर प्रेम होता है वहां पर मां लक्ष्मी का वास होता है, और जहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं, आए दिन घर में कलह रहता है, वहां पर ऐ लक्ष्मी का निवास होता है। दोस्तों, आज की इस कहानी में आप जानेंगे ऐसे ही दो पक्षियों की प्रेम कथा के बारे में, उनके प्रेम के बारे में। दोस्तों, आज की ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी का जिक्र आपको ग्रंथों में भी देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, इन दोनों पक्षियों को गिद्ध सती के नाम से सभी लोग जानते हैं और बड़ी आस्था के साथ इनके मंदिर में जाते हैं। जिन घर में लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी में नहीं बनता, पिता पुत्र में नहीं बनती है, सास बहू में नहीं बनती है, कहने का मतलब है कि आए दिन यदि आपके घर में परिवार में कलह रहता है, झगड़े होते हैं, तो लोग इस स्थान पर जाकर अपनी मन्नत को पूरी करते हैं और उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, उनके घर के झगड़े समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, यदि ऐसी स्थिति आपके घर में भी है तो आप गिद्ध सती के मंदिर में जरूर जाएं और अपने घर के झगड़े समाप्त करें। दोस्तों, यदि आप वहां नहीं जा सकते तो आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा। आशा करते हैं कि इस कहानी को सुनने से भी आपके घर के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की प्यारी सी पावन पवित्र ये कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दोस्तों, आपने कई प्रेम के किस्से सुने होंगे, जैसे लैला मजनू, हीर और रांझा। हीर और रांझा की प्रेम कहानियां आज भी दुनिया के कोने कोने में मशहूर है। आज भी उनके प्रेम की मिसाल दी जाती है, उनके प्रेम को लोग पूछते हैं। तो ऐसी ही एक प्रेम कहानी की मिसाल भारत की धरती पर मौजूद है, जो यकीनन बाकी सभी कहानियों से बिल्कुल अलग है। यहां तक कि प्रेम कहानी इतनी अजब है कि उसकी याद में एक मंदिर बनाया गया है, जहां बेहद नायाब मूर्तियां भी है, लेकिन ये मूर्तियां किसी देवी देवता की नहीं है, किसी लैला मजनू की भी नहीं है, बल्कि ये दो विलुप्त हो रहे पक्षी के जोड़े की मूर्तियां हैं, जिसे गिद्ध कहते हैं। गिद्ध जोड़े की प्रेम कहानी को याद रखने के लिए बनाया गया ये मंदिर आज भी उन गिद्धों की प्रेम कहानी को बयां करता है। प्रिय दोस्तों, इस मंदिर को लोग गिद्ध सती मंदिर के नाम से पुकारते हैं। यहाँ हर रोज सैकड़ों लोग आकर पूजा पाठ भी करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। पूजा पाठ करने वाले लोगों का दावा है कि यहाँ उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। मंदिर परिसर में हर साल एक महीने का मेला लगता है, जिसमें सिर्फ कलिमपुर या उत्तर प्रदेश के कोने कोने से ही नहीं, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी श्रद्धालु बहुत मात्रा में आते हैं। यहाँ भी इस मंदिर की मान्यता बहुत अधिक है। प्रिय दोस्तों, ये मंदिर खलीमपुर खीरी जिले की सदर तहसील के क्षेत्र में कोठीला ग्राम पंचायत में
खलीमपुर से पड़ोसी देश नेपाल की सीमा तक जाने वाले सड़क के किनारे बना हुआ है। प्रिय दोस्तों, इस मंदिर में दो मूर्तियां स्थापित है, लेकिन ये मूर्तियां किसी देवी देवता की नहीं बल्कि गिद्ध के जोड़े की है। इस इलाके में रहने वाले और मंदिर में आस्था रखने वाले लोगों का दावा है कि करीब 65 साल पहले यानी सन 1962 के जुलाई के महीने में गांव से कुछ दूरी पर नहर के किनारे एक पशु की मौत हो गई थी, जिसे खाने के लिए गिद्धों का झुंड आ गया था। प्रिय दोस्तों, वहां के बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जानवर का मांस खाने के बाद सभी गिद्ध उड़ गए, लेकिन एक गिद्ध की मौत वहीं पर हो गई थी। दावा किया जा रहा है कि गिद्ध की मौत के वक्त एक मादा गिद्ध भी साथ में मौजूद थी। साथ ही गिद्ध की मौत के बाद दूसरी मादा गिद्ध ने भी खाना पीना छोड़ दिया था। ये देखकर वहां कई दिनों तक लोगों का जमावड़ा रहा। स्थानीय लोग बताते हैं कि जिंदा गिद्ध मृत गिद्ध की लाश पर बैठी रहती थी। इस दौरान अगर कोई उसे हाथ से छूकर हटाता और कुछ खाना पीना देता था तो वे कुछ खाए पिए बिना ही वहां से थोड़ी दूरी पर नहर पर जाकर बैठ जाती थी, फिर कुछ देर बाद वापस लौटकर मृत गिद्ध के शव पर आ जाती थी। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। प्रिय दर्शकों, फिर करीब 10 दिन के बाद दूसरी गिद्ध ने भी अपने साथी गिद्ध की लाश के पास ही दम तोड़ दिया। प्रिय दोस्तों, आगे बताते हैं कि गिद्ध जोड़े के बीच की प्रेम कहानी क्षेत्र के हर बुजुर्ग और जवान की जुबान पर रटी रही। प्रिय दोस्तों, वहां के स्थायी निवासी लोग बताते हैं कि इसके बाद गांव वालों ने दोनों मृतक गिद्धों के शवों का विधि विधान से गांव के पास ही अंतिम संस्कार कर दिया। साथ ही एक छोटा सा मंदिर भी बना दिया था, जिसमें दोनों गिद्धों की मूर्तियां स्थापित की गई। दोस्तों, कहा जाता है कि आगे चलकर यहां काफी लोग श्रद्धा भाव से आने लगे, पूजा पाठ होने लगी, जिसके बाद गांव वालों ने मिलकर भव्य मंदिर भी बना दिया और उस भव्य मंदिर में उन दोनों गिद्धों की मूर्तियां स्थापित कर दी गई, जिसे नाम दिया गया सती गिद्ध मंदिर। प्रिय दोस्तों, कहा जाता है, सुना जाता है, प्रिय दोस्तों, वहां के स्थायी लोग बताते हैं कि तब से और आज तक हर साल यह मेला लगता है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, मंदिर में माथा टेकते हैं और मुरादे मांगते हैं। इस मंदिर की आस्था का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि मंदिर की श्रद्धा और इसकी कहानी पड़ोसी मुल्क नेपाल तक फैली हुई है। दोस्तों, वहां के स्थायी लोग ये भी बताते हैं कि जो लोग निर्धन हैं, अपने जीवन में कभी धन अर्जित नहीं कर सके, खूब मेहनत करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी वही ढाक के तेन पात होते हैं। मेहनत करने के बावजूद भी वो लोग धन अर्जित नहीं कर पाते, क्योंकि उन लोगों का भाग्य उनका साथ नहीं देता है, या फिर उन लोगों के कुछ पूर्व जन्म के ऐसे कर्म होते हैं, या फिर इस जन्म के ऐसे कुछ कर्म होते हैं जिनके चलते उन लोगों का नसीब साथ नहीं देता है। स्थायी लोगों का कहना है कि यदि ऐसे लोग इस मंदिर में आकर अपनी मुरादे मांगते हैं तो उन लोगों का भाग्य बहुत जल्द साथ देने लगता है और वो लोग धीरे 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 पैसे वाले बन जाते हैं। प्रिय दोस्तों, स्थायी लोगों का कहना है कि इस मंदिर में आकर बंदा जो भी मुरादे मांगता है सर्व मनोकामना पूरी होती है। प्रिय दोस्तों, गिद्ध की इस प्रेम कहानी के बारे में कई ग्रंथों में भी जिक्र मिलता है। ग्रंथ कहते हैं कि गिद्ध की प्रेम कहानी बहुत पुरानी है। प्रिय दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर में जो लोग आते हैं उनके घर मां लक्ष्मी का प्रवेश बहुत जल्द होता है।
और फिर इसी के साथ उन लोगों का भाग्य उदय हो जाता है, उन लोगों की गरीबी का नाश हो जाता है। प्रिय दोस्तों, गिद्धों के बारे में शास्त्र कहता है कि गिद्ध जटायु प्रजाति से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, किसी जमाने में गिद्धों को जटायु भी कहा जाता था, जिन्होंने भगवान श्री राम और माता सीता की सहायता करते हुए अपने प्राणों को तक न्योछावर कर दिया था। दोस्तों, गिद्ध उसी जटायु की प्रजाति से बिलोंग करता है। गिद्धों के बारे में शास्त्र कहता है कि गिद्ध श्री हरि विष्णु का परम भक्त है, भगवान श्री राम का परम भक्त माना जाता है। दोस्तों, ये पक्षी बहुत समझदार होता है। इस पक्षी की नाक बहुत तेज होती है। कहा जाता है कि ये पक्षी हजारों मील दूर बैठा अपनी नाक से सुगंध को सूंघ लेता है, दुर्गंध को पहचान लेता है। प्रिय दोस्तों, इसी के साथ गिद्धों के बारे में यानी जटायु के बारे में शास्त्र कहता है कि इनके पंखों में एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। कहते हैं कि वो पदार्थ बहुत कीमती होता है और बहुत चमत्कारी भी होता है। प्रिय दोस्तों, इस पदार्थ के बारे में महापुरुषों का कहना है कि यदि कोई बंदा इस पदार्थ को हासिल कर लेता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है, वो व्यक्ति इस संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है। महापुरुष कहते हैं कि इस पदार्थ को हासिल करने के बाद व्यक्ति संपूर्ण इच्छाएं पूरी कर सकता है। प्रिय दोस्तों, इस पदार्थ के बारे में कई तांत्रिकों की किताबों में भी लिखा हुआ है। प्रिय दोस्तों, इस विषय में तांत्रिक लोगों का भी कहना है कि इस पदार्थ को हासिल करने के बाद लोग भिन्न भिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। अनंत प्रकार की सिद्धियां उन लोगों को बहुत जल्द हो जाती है। ये पदार्थ बहुत चमत्कारी और दुर्लभ माना जाता है। प्रिय दोस्तों, तांत्रिक लोग और कहते हैं कि जिस बंदे के पास ये पदार्थ होता है वो बंदा इस संसार में कुछ भी कर सकता है, अपने हाथों से पर्वत को भी उठा सकता है। जिस तरीके से श्री भगवान हनुमान ने अपने हाथों में पर्वत को उठाया था, ठीक उसी प्रकार इस पदार्थ को हासिल करने वाला बंदा अपने हाथों में पर्वत को उठा सकता है। एक व्यक्ति एक ही समय पर अपना भिन्न भिन्न रूप प्रकट कर सकता है, एक व्यक्ति हजारों जगह एक ही समय पर दिखाई दे सकता है। प्रिय दोस्तों, मादा गिद्ध जो होती है उसे चील भी कहा जाता है। दोस्तों, और चील के बारे में यानी मादा गिद्ध के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की बातें तांत्रिकों की किताबों में लिखी हुई है, और तांत्रिक लोगों का कहना है कि चील के पंखों से यदि कोई बंदा इस पदार्थ को प्राप्त करता है वो बंदा इस संसार में कुछ भी कर सकता है। प्रिय दोस्तों, ये थी गिद्ध की प्रेम कहानी, जो कि एक सच्ची घटना है। दोस्तों, यदि आपके घर में भी आए दिन कलह रहता है, झगड़े होते हैं, तो आप इस मंदिर में जरूर माथा टेकें। आशा करते हैं कि आपका भाग्य बहुत जल्द उदय होगा और आपकी सर्व मनोकामना पूरी हो जाएंगी, आपके घर के झगड़े तुरंत समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।